इसमें आपको ये दो कलर अवेलेबल मिल जाएंगे। ब्लास्ट डोर के साथ आपका दिया हुआ 520 वाट के साथ आ रहा है। इसमें सर्किट डायग्राम बनी हुई है इसके अंदर। सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए देखें, नॉटिंग मोड स्पेशलिस्ट ऑन नहीं करना बगैर टैप के। आपने आपका चाइल्ड सेफ्टी लॉक आपका वेस्ट होगा वो यहाँ पे आएगा। इसका डिस्प्ले दिया हुआ है, बेसिकली ये मिरर लगा हुआ है इसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट दानिश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिव्यू विद दानिश। इस चैनल पर आपको तमाम इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस के कम्प्लीट रिव्यू दिए जाएंगे। आज हम आपको रिव्यूज़ देंगे होममेड के वाटर डिस्पेंसर 49432 के बारे में। आए और वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको ये दो कलर अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। 49432 मॉडल है, ग्लास डोर के साथ है आपका। ग्लास डोर के साथ आपका दिया हुआ ये, ठीक है। इसी तरह आपकी 3T के साथ रेफ दी हुई है दोनों में, ठीक है। ये मॉडल आपका आ रहा है 520 वाट के साथ आ रहा है। इसमें हीटिंग पावर जो है इसके अंदर वो 520 वाट्स है। आई मैं आपको बैक साइड पर दिखाता हूँ, ये लिखी हुई है इसकी कंप्लीट सर्किट डायग्राम बनी हुई है इसके अंदर, ठीक है। 520 जो इसकी पावर है, रेटेड इनपुट पावर है 520। इसकी हीटिंग पावर जो है 420 है, ठीक है। कूलिंग तकरीबन 100 बनती है इसकी, ठीक है। और जो इसका साइज़ है इसके अंदर वो तकरीबन 6 लीटर का दिया हुआ है। 4 लीटर जो है वो तकरीबन हॉट वाटर का है और 2 लीटर जो है इसका कोल्ड वाटर का है इसके अंदर। और सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए देखें, इन्होंने ऊपर लिखा हुआ है खबरदार, ठीक है। आपने तब तक इसकी पावर इसकी ऑन नहीं करनी जब तक आप इसके ऊपर टैप ना लगा लें, ठीक है। बॉटल आप इसके ऊपर जब तक ना लगा लें। और जब आप इसको बाइक करें और बाइक करने के बाद जब आप इसको ट्रैवल करके लेके जाएं तो तकरीबन 4 से 5 घंटे आपको इसको आपने चलाना नहीं है। और जब आप इस किसी भी डिस्पेंसर या रेफ को आप बाइक करते हैं तो आपने इसको थोड़ी देर चलाना नहीं होता, तकरीबन 4 से 5 घंटे, ठीक है। उसका वजह क्या होती है उसकी, कि इसके कंप्रेसर के अंदर ऑयल होता है। जब आप इसको लेके जाते हैं वो अप डाउन करता है, तो अप डाउन होने की वजह से आप उसको जाके फ़ौरन चलाएँगे तो उसका कंप्रेसर क्या होगा, वो स्टक हो जाएगी जगह। इस वजह से आपकी ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो ये इसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस होती हैं, ठीक है। और आपने इसको ऑन भी नहीं करना, हीटिंग मोड स्पेशलिस्ट ऑन नहीं करना बगैर टैप के। आपने जब तक आपने ऊपर बॉटल नहीं लगा ली, ये आपने ऑन नहीं करना। ये हीटिंग के लिए आपको बटन दिया हुआ है, ये आपका कूलिंग बटन दिया हुआ है जी। ये इसके लिए सेफ्टी लॉक दिया हुआ है इन्होंने, ये सेफ्टी लॉक है इसके अंदर आपका, ठीक है। ये हॉट होता है, हॉट के लिए होता है। ये बच्चों के लिए होता है आपका चाइल्ड सेफ्टी लॉक, ये इसलिए होता है ताकि बच्चे गर्म पानी से अपना हाथ वगैरह न जला लें। ये लॉक है, आप इस साइड पर इसको प्रेस करेंगे आपकी नॉब प्रेस हो जाएगी। ये आपकी नॉर्मल के लिए होती है, ठीक है। ये आपकी कॉल के लिए होती है, ठीक हो गया। बाकी इसका आपका वेस्ट वगैरह जो पानी आपका वेस्ट होगा वो यहाँ पे आएगा। इसे छोटा सा टैंक बनाया हुआ है इन्होंने। और ये रेफ है इसका, तकरीबन 3T साइज़ होता है। और लास्ट चीज़ रह जाती है इसकी वारंटी कितनी है। वारंटी आपको होममेड प्रोवाइड कर रहा है 1+1, 1 साल पार्ट्स की वारंटी दे रहा है आपको और 1 साल आपको ये दे रहा है कंप्रेसर की वारंटी जी। ये इसका डिस्प्ले दिया हुआ है, जब आप पावर लाइट्स वगैरह इसकी ऑन होंगी, बेसिकली ये मिरर लगा हुआ है इसके अंदर से आपको दिखाई देगा, ठीक है। पावर की लाइट होगी, कूल की लाइट होगी, हीटिंग लाइट होगी, ये बेसिकली मिरर लगा हुआ है इसके अंदर से आपको नज़र आएगा। बाकी इन्होंने अपना लोगो लगाया हुआ है, ये देखें, होममेड वाटर डिस्पेंसर है, 49432 मॉडल है जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। हाई एफिशिएंसी कंप्रेसर कूलिंग के साथ है, ये आपका अच्छी कूलिंग करता है। ये आपकी मतलब इस तरह की कूलिंग करेगा, चाहे चिल मोड की तरह भी करेगा, बिल्कुल फ्रीज़ नहीं करेगा, लेकिन अच्छी कूलिंग होती है। लो नॉइस डिज़ाइन के साथ है आपका, ठीक है। इसके अंदर शोर नहीं है, बिल्कुल लो नॉइस है इसके अंदर। और ये चाइल्ड सेफ्टी लॉक जो मैंने आपको इसके अंदर ये बताया था, चाइल्ड सेफ्टी लॉक के साथ है ये सेव कर। तो उम्मीद है गाइज आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक कमेंट शेयर में अपना इजहार लाजमी।